ओके तो गाइस आज हम लोग फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं आरडीआर। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोग यार आर्थर की ग्रेव पे गए थे और हम लोगों ने फाइनली भाई उसको ढूंढ ही लिया। मतलब मैंने ना काफी सारे लोगों से पता किया और उसके बाद मेरे को लोकेशन मिल गई एंड हम लोगों ने जब वो विजिट की ना अपना जॉन तो थोड़ा सा वहां पे इमोशनल हो गया था। कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग आर्थर का बदला लेंगे गाइस, बस कुछ ही टाइम की बात है। बाकी यार आज अपना प्लान है कि यार आज हम लोग ना एक लेजेंडरी एनिमल मारने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा बहुत शिकार वगैरह कर रहे थे एंड जब हम लोग उस टनल के पास गए थे ना तो उस टनल के पास लोकेशन आ रही थी एक लेजेंडरी एनिमल की। तो गाइस आज मेरा प्लान है कि यार आज अपन लोग उस लेजेंडरी एनिमल को मार के भाई पैसे वैसे कमाने वाले हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक करो यार और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई यहाँ पे अपना घोड़ा खड़ा हुआ है एंड इसके ऊपर यार काफी ज्यादा शिकार था, पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो पहले अपना काम क्या है ना कि पहले भाई जितना भी सारा का सारा शिकार है ना पहले इसको सेल करके आते हैं एंड उसके बाद अपन लोग लेजेंडरी एनिमल को ढूंढेंगे, क्योंकि लेजेंडरी एनिमल ना एक तरीके से बहुत रेयर एनिमल होते हैं, उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। एंड यहाँ किसी का घोड़ा खड़ा हुआ है। ओके तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस ये बंदा यार चिल कर रहा है। और एक सेकेंड, ये जान पहचाना लग रहा है क्या? एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, जाना पहचाना तो नहीं है मेरी। एक सेकेंड, इसको रॉबरी करें, इसको लूटते हैं। Get up and pay me. इसको लूटते हैं गाइस। Any sense, you'd back down. Hurry up, you. तेरी तो निकल यहाँ से। Let's go. Take it. Okay. तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ निकल निकल ले निकल ले पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। ओके तो अपन लोगों ने इसको लूट लिया एंड फटाफट से निकलते हैं। ओके बहुत सही। बाकी यार कुछ लोग मेरे को कमेंट में कह रहे थे कि यार घोड़ा पकड़ो, घोड़ा लेकर आओ। तो गाइस लेकर आएंगे यार, टेंशन ना लो भाई, घोड़ा लिया जाएगा, सारी चीजें एक एक करके करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो भाई। ओके तो अभी मेरे को जाना कहाँ पे, हम लोग इस जगह पे है एंड गाइस अपने को जाना है यहाँ पे। तो पहले जितना मेरे पास मटीरियल है ना सारे का सारा यहाँ पे सेल। ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है आसपास कोई, और एक मिनट ऊपर के साइड नहीं यार कोई भी नहीं है, वहीं जाना पड़ेगा। तो पहले जितना भी मेरे पास मटेरियल है ना भाई पहले उसको सेल करके आते हैं एंड उसके बाद ही लेजेंडरी एनिमल को मारेंगे, क्योंकि फिर उसको रखना भी तो है भाई। और बाकी एक सेकंड, ये क्या है? ओके ये तो नॉर्मल वाले हैं भाई। इस साइड में ना काफ़ी बड़े बड़े हिरन होते हैं जहाँ पे अभी मैं हूँ इस वाले एरिया में। एंड भाई कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे पैंथर वगैरह भी हैं, रात में अगर जाओ ना तो भाई टाइगर्स और पैंथर अटैक करते हैं, थोड़ा सा संभल के भी रहना है। तो रात होने से पहले मैं यहाँ पे लौट कर वापस आ जाऊंगा। और इसी वाले रास्ते से जा रहा था ना मैं, हाँ इसी वाले रास्ते से जा रहा था जब मैं एक ईगल को मारने के चक्कर में पहाड़ से नीचे गिर गया था। और ये क्या है? एक मिनट गाइस, किसी का घर था ना यहाँ। अबे किसी ने आग लगा दी यहाँ, देखो अभी भी आग जल रही है। ओके यहाँ गाइस पक्का किसी का घर होगा भाई, किसी गैंग वाले ने आग लगा दी, उसके घोड़े का सर पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओ भाई निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, पक्का यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है भाई, गैंग वॉर हुआ है यहाँ, निकलते हैं यहाँ से। बाकी आज का मौसम क्या प्यारा लग रहा है यार, नजारे देखो तुम इस गेम के भाई, क्या तगड़ा व्यू है भाई, क्या तगड़ा व्यू है। पहाड़ से नीचे घोड़ा उतारने में भाई अलग ही मजा है यार, बहुत ही अलग मजा। बाकी अपना घोड़ा भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट हाँ पहले मैं थोड़े बहुत पैसे वैसे कर लूँ ना, या तो हम लोग खरीद लेंगे या फिर जंगल से पकड़ के लाएंगे, दोनों में से एक काम तो करेंगे अपन लोग। तो फटाफट से घोड़े को भगाते हैं एंड जल्दी से चलते हैं लोकेशन की तरफ। एंड एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर राइट साइड में कुछ तो आ रहा है, मतलब राइट में नहीं सॉरी लेफ्ट में आ रहा है, चल के देखें क्या एक बार, पास में ही है यार, एक बार चल के देखते हैं भाई। यहाँ पर जंगल तो काफ़ी घना होता जा रहा है यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस साइड में गाइस आ रहा है कहीं पे, पास में ही है, चल के देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। ओके आ गया मैं, टेंशन नहीं है। एक सेकेंड, कैन यू हेल्प, अबे आ गया मैं। ओके कैन यू हेल्प मी मिस्टर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द गॉडडैम हॉर्स गॉट स्पूक्ड, एक पैर नहीं है भाई इसका, नॉट टू बैड एट लीस्ट। ओके बट ही टुक माय डैम लेग भाई, इसका एक पैर नहीं है, कोई नहीं इसकी हेल्प कर देगा गाइस।
क्योंकि अगर ये रात में यहाँ पे रहा तो इस पे जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भालू भी है, वुल पैंथर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे इस एरिया में बहुत ज्यादा जानवर है। ओके, तो अभी अपने को सर्च करना है, इसका घोड़ा है शायद, तो उसको सर्च करते हैं, लेकर आते हैं इस बंदे की हेल्प करते हैं। भाई हेल्प करनी चाहिए यार ऐसे बंदों की, उसका बेचारे का एक ही पैर है। ओके वो रहा, कितना प्यारा सा घोड़ा है भाई। एंड उस बंदे ने बताया कि यार ये काफी गुस्से वाला घोड़ा है, और उसी घोड़े के अंदर इसका वुडन लैग है, मतलब लकड़ी का पैर है। ओके तो इसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पैर नजर आ गया। ओके भाई लग तो बढ़िया घोड़ा रहा है। Hey now. Easy boy. Spooked all right. Easy there. It's all right. अरे कितना जाइंट है गाइस ये। Easy now. Relax. Relax. Okay, okay. मैं एकदम नजदीक खड़ा हूँ, ये देख रहा हूँ इतना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है साइज में देखो। You're okay. You're okay. Easy. Easy now. Okay. मैं कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया हूँ गाइस इसके। ओके बहुत सही, लेकर चलते हैं, बहुत सही। Come on, man. Let's get वो देखो लकड़ी का पैर देखो इस साइड में फंसा हुआ है, ये फेंक कर चला गया होगा उसको घोड़ा। भाई घोड़ा है तो रेयर, बट नहीं यार किसी का छीनना नहीं चाहिए ना, खुद जंगल से पकड़ेंगे भाई, मतलब इस बंदे के नहीं छीनेंगे, किसी और का होता तो छीन लेता, बट कोई दिक्कत नहीं है। पहले उस बंदे को वापस करते हैं घोड़ा, उसके बाद चलते हैं मतलब एनिमल सेल करने हैं। भाई ये गाइस वैसे हीरा के तरह थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, जैसा आर्थर के पास हीरा था, बट हीरा तो अब इस दुनिया में नहीं है भाई, हीरा भी आर्थर के साथ मर चुका है, बट हीरा के जैसा कोई ना कोई घोड़ा और होगा, उसे ढूंढने जाना पड़ेगा अपने को। पहले फटाफट से ऊपर चलते हैं, चल 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 चल। मैं इसके ऊपर बैठ के राइड ही नहीं कर सकता, नहीं तो मैं एक छोटा सा राउंड मार के आता। कोई दिक्कत नहीं, यहीं कहीं था ना यार, अचानक से वेदर ही चेंज हो गया, देख रहे हो। अगर ये बंदा रात में यहाँ रह जाता ना तो पक्का किसी ना किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता। ओके इस एरिया में कहीं पे है वो। ओके तो अभी हम लोग उस बंदे के पास पहुँचने वाले, और भाई घोड़ा ना बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। एक सेकेंड, यहीं कहीं ओके वो बैठा सामने। ओके तो ये बंदा भी काफ़ी खुश होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने उसकी हेल्प की है। ओके तो फाइनली भाई तेरा घोड़ा लेकर आ चुका है जॉन, मिस्टर जॉन, ही इज अ ब्रूट। ओ भाई हेमिश सिंक्लेयर, या ही इज अ ग्रेट हॉर्स असाइड फ्रॉम व्हेन द डेविल गॉट हिम। हे यू वांट टू हैंड मी दैट लेग देयर प्लीज। ओके एंड व्हाइल यू आर आउट गिव ओल्ड ब्यूल अ किक फॉर मी वुड यू, नाउ आई एम ओनली किडिंग। अच्छा उसका पैर है वो वुडन वाला। ओके वॉरम बट अ भाई कैसे एक पैर से कैसे पता नहीं घोड़ा चला रहा है बंदा। You're okay. a real gentleman, you know? Okay, you're a real gentleman. भाई घोड़ा देख रहे हो गाइस कितने शाइनिंग कर रहा है। जो बढ़िया वाले घोड़े होते हैं ना, रेयर टाइप के घोड़े जो होते हैं ना, वो ऐसे ही घोड़े होते हैं प्यारे से। Much pain and I didn't get any gangrene. Young boy, my cabin is. Okay, तो ये बंदा अपने को ऑफर दे रहा है भाई, कभी फिशिंग पे आना है इसको, बढ़िया सा स्पॉट पता है, तो कभी चलेंगे भाई इस बंदे के पास फिशिंग वगैरह करके आएंगे, क्योंकि ये बंदा बोल रहा है कि ये काफी बढ़िया फिशिंग करता है। ओके बहुत सही, तो ये छोटे मोटे मतलब काम करने से अपने पास ना काफ़ी सारी चीज़ें आ भी जाती हैं। ओके तो अब ना घोड़ा यहाँ खड़ा है, वैसे अपना घोड़ा भी ठीक है बट उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितना जितना उसका था, है ना, उसका ज़्यादा बढ़िया था। तो अभी फटाफट से चलते हैं, पहले सारे के सारा सामान बेच कर आते हैं। ओके तो गाइस अभी हम लोग इस लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे अपने को ये सारे के सारे एनिमल सेल करने हैं। एंड ये वाले अंकल की दुकान ना वही जंगल के बीचों बीच है, यहाँ पे मैं पहले भी लेजेंडरी एनिमल को सेल करके गया हूँ, जो बड़े बड़े भालू वगैरह नहीं होते उनको सेल करके गया था। ओके तो यहीं कहीं पे होना चाहिए ना। ओके ओके मेरे को नज़र आ गई, मेरे को नज़र आ गई, ये रही आप। ओके बहुत सही, वैसे मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, और अंकल सब बढ़िया, क्या हाल चाल है। ओके तो फटाफट से पहले मेरे को सेल करना है जितना भी मेरे पास मटीरियल है ना, जितना भी है सब सेल कर देते हैं। ये गन ऑयल भी खरीद रहे क्या? ओके बढ़िया 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 भाई, देखो यहाँ पे जो वुल्फ की स्किन थी ना वो यहाँ सेल हो गई, अपन लोग टाउन में कर रहे थे वहाँ सेल नहीं हो रही थी, जंगल के बीचों बीच हो गई। एंड आसपास यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी मेरे को नज़र आ रही हैं, तो इसको भी पिक कर लेते हैं, जब डॉक्टर की दुकान पे जाएंगे ना तो उनको भी भेज देंगे। एक तो मैं खा ही लेता हूँ, और घोड़े के खिलाने के काम भी आती है ये, तो इनसे दोनों काम हो जाते हैं।
और आसपास भी मेरे को जंगली मुर्गियां नजर आ रही हैं। एक सेकंड, यहाँ क्या है? इसको भी खा के देखते हैं क्या है ये। ये भी कोई तो जड़ी बूटी है भाई, कोई ना कोई, ये ना सारी मेडिसिन बनाने में काम आती है। ओके, तो मुझे नहीं लग रहा आसपास और एनिमल्स है, तो एक काम करते हैं अभी फटाफट से अपन लोग यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले अपन लोग को लेजेंडरी एनिमल को मारना है। मतलब बहुत टाइम हो गया गाइस, अपने पास लेजेंडरी एनिमल की ना पूरी की पूरी बुक है। पहले यहाँ से निकलते हैं फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एंड पूरे मैप में ना बहुत सारे टाइप के लेजेंडरी एनिमल्स हैं, बहुत सारे टाइप के, और मैंने अभी शायद 2-3 को ही मारा है, ज़्यादा को नहीं मारा है। तो हम लोग बड़े बड़े लेजेंडरी एनिमल्स को मार सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। एक सेकेंड, वहाँ कोई आग जला रहा है शायद, वहाँ कोई कैंप वगैरह होगा। फटाफट से बुक निकालो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये आपको पूरा नज़र आ रहा है ना ये मैप्स में? ओके, लेजेंडरी एनिमल मैप, यहाँ नज़र डालो, देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा है गाइस ये। इसमें ना इतने सारे लेजेंडरी एनिमल, ये देखो पैंथर हो गया यहाँ पे, यहाँ वुल्फ हो गया, रेड्स हो गए, रखून हो गए, यहाँ पे हिरन है कई टाइप के, यहाँ पे देखो विजन हो गया, मतलब बहुत सारे लेजेंडरी एनिमल्स हैं। तो अभी मैंने ना 2-3 ही को मारा है, बहुत सारे अभी रह गए, उनको भी मारना है। तो पहले अपन लोग निकलते हैं, वहाँ रेलवे ट्रैक की तरफ चलते हैं जहाँ टनल थी, पहले वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ से ढूंढते हैं फिर लेजेंडरी एनिमल की लोकेशन, कि एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे, उसको ढूंढेंगे, उसे मार के भाई आज सेल करना है कुछ भी हो जाए। फटाफट से रेलवे टनल के पास चलते हैं। तो अभी हम लोग यार शॉर्टकट मार के लेजेंडरी एनिमल की लोकेशन पे वो पहुँचने वाले हैं। एंड यहाँ तक आते आते भाई रात हो चुकी है, ऊपर चाँद नज़र आ रहे हैं, और अभी तुम लोग देख रहे हो अभी हम लोग ब्रिज पे आ चुके हैं। अभी मैंने पूरा शॉर्टकट मारा भाई, रेलवे ट्रैक से आया हूँ, और तुम लोग सामने देखो भाई ट्रेन आ रही है, साइड में होना पड़ेगा, इसके सामने आ गया ना मुझे और मेरे घोड़े दोनों को कहाँ पहुँचा देगा उड़ा के, पता नहीं चलेगा भाई। शॉर्टकट तो मार लिया बट रास्ते में दो ट्रेन आई थी, और देख लो ट्रेन के अंदर काफ़ी लोग बैठे हैं यार, ये देखो देखो सारे डिपो में मतलब बैठे हैं लोग भाई, मतलब काफ़ी लोग इधर से उधर ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं यहाँ पर। तो मेरे को जल्दी से ये वाला ब्रिज यहाँ से पार करना पड़ेगा, अगर सामने से और कोई ट्रेन आ गई ना दोनों को उड़ा देगी। और गाइस तुम लोग यार लेफ्ट साइड में नज़र डालो, यहाँ देख रहे हो बड़ा सा वाटरफॉल गिर रहा है ऊपर से, देखो वहाँ से नीचे, यहाँ से देखो कितना नीचे गिर रहा है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। तो यहीं कहीं पे मेरे को लेजेंडरी एनिमल मिलने वाला है, उससे पहले मेरे को काम क्या करना है, एक काम करते हैं अपने घोड़े को यहाँ छोड़ते हैं, पहले ना टेंट लगा के सो जाते हैं, क्योंकि अभी हो रही है देखो बहुत ज़्यादा रात, एंड मुझे नहीं लगता कि रात में भाई शिकार करना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ नहीं यार, ये तो रास्ता है, यहाँ नहीं टेंट अगर हम लोग यहाँ लगाए तो कहाँ जाएगा, एक मिनट ट्राई करते हैं, चलो टेंट लगाते हैं। ओके, तो गाइस अभी हम लोग ने टेंट वगैरह लगा लिया और काफ़ी सही टाइम पे लगाया यार, बारिश होना स्टार्ट हो गई है ना, रात में मुझे नहीं लगता कि जग कर कोई फ़ायदा है, काम करते हैं सो जाते हैं, मॉर्निंग तक सोते हैं अपना 9 घंटे की नींद। ओके, तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, फटाफट से अपन लोग टेंट से बाहर निकलते हैं। एंड मैंने टेंट लगाया था कहीं और पे और मैं आ कहीं और पे गया हूँ। अगर मैं मैप को ओपन करूँ तो जो लेजेंडरी एनिमल की लोकेशन है वो यहाँ कहीं की है, देखो या तो यहाँ कहीं पे मिलेगा या ऊपर के साइड है। तो अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना है और मैं सोच रहा हूँ कि कैंप को ना पैक कर लेते हैं, हो सकता है ऊपर थोड़ी रात हो जाए तो ऊपर हम लोग सो सकते हैं, तो पहले कैंप वगैरह पैक करते हैं। ओके, तो अभी मैंने आग वगैरह यहाँ पे बुझा दी है और टेंट वगैरह भी मैंने पैक कर लिया है, फटाफट से अपने घोड़े पर बैठते हैं एंड जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और एक बार ना मैं तुम लोग को इधर दिखाता हूँ, थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, मैं पहाड़ के नीचे ना गिर जाऊँ। वो देख रहे हो सामने वाटर नज़र आ रहा है, सामने देख रहे हो, वो देखो वहाँ पे वाटरफॉल देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है, बट अपने को वैसे वहाँ नहीं। एक सेकंड, यहाँ से भी जा सकते हैं क्या? जा तो सकते हैं बट रिस्क है इधर से, चलो इधर से ही चलते हैं, रिस्क उठाते हुए चलते हैं सीधे, है ना, मस्त। घोड़े से ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आता है भाई, फुल ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आता है। ओके, तो इसी वाले रास्ते से होते हुए चलते हैं। अबे पहुंच गए हम लोग गाइस, यहीं कहीं पे अपने को लेजेंडरी एनिमल मिलना चाहिए। एंड गाइस आज एक को तो मारना ही मारना है। मेरे को ना 2 लेजेंडरी एनिमल की लोकेशन मिली थी, एक इस साइड की मिली थी और एक रेलवे ट्रैक जहां वो टनल थी वहां की मिली थी, तो दोनों में से कोई भी मिले आज अपने को। ओके, एक सेकंड गाइस, यहां देखो, यू हैव एंटर्ड लेजेंडरी एनिमल टेरिटरी। ओके, यहीं आसपास कहीं पे तो गाइस कोई लेजेंडरी एनिमल है, इनको आराम से ढूंढना है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने कोई भी जल्दबाजी की ना तो वो निकल जाएगा। लेजेंडरी एनिमल अब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ओके ओके ओके, कि सामने तुम लोग वहाँ देख रहे हो। ओके,
वहां पे मुझे कुछ तो नजर आया है। और यहीं कहीं पे कुछ तो था गाइस, ये रहा। से चेक करते हैं। ओके तो गाइस ये जो लेजेंडरी आने वाला ना, इसके मेरे को पैरों के निशान यहाँ नजर आ चुके हैं, एंड ये मॉर्निंग के टाइम पे निकलता है, सबसे बेस्ट चीज ये है। ओके मेरे पास अभी एक ही शॉटगन है यार, ये तो घोड़ा है कोई। ओके गाइस ये कोई हिरन है, कोई काफी बड़ा हिरन, इसने पॉटी वगैरह कर रखी है यहाँ पे, क्या कर रखा है। ओके उस यहाँ नहीं है, बट ऊपर के कहीं पे साइड है। देखो ये जो तुम्हें व्हाइट व्हाइट स्पॉट नजर आ रहे हैं ना, हम लोग इसको फॉलो करते करते जा रहे हैं, बस ये भाग ना जाए, क्योंकि कई बार मैंने लेजेंडरी एनिमल को मारने का ट्राई किया है, तो अगर जल्दबाजी करो ना तो वो हाथ से निकल जाते हैं। बट अभी हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार से चलने वाले हैं। अबे घोड़े तू निकल ले यार यहाँ से, अबे यार इन घोड़ों की वजह से दिक्कत ना हो जाए। ओके वहाँ स्पॉट है एक और, अभी मुझे घोड़ा नहीं पकड़ना है भाई, अभी मुझे लेजेंडरी एनिमल चाहिए। एक सेकंड यहीं कहीं पे आ रहा था ना गाइस, ये रहा। ओके उसके पैरों के निशान है ये देखो। ओके इस साइड गया है वो, ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा। एक सेकंड गाइस, भाई कितना सुंदर है ये लेजेंडरी एल्क। भाई पकड़ना पड़ेगा भाई यार, गलती हो गई मेरे से गाइस। मारना तो पड़ेगा इसको, हाथ से ना निकल जाए। गाइस तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये रही वो टनल की लोकेशन, मतलब ये यहीं पे था। ओके अभी मेरे को समझ में आया, वो यहाँ पे पूरे एरिया में घूमता रहता है, तो ये एक ही लेजेंडरी एनिमल है, बट मेरे को दो जगह लोकेशन मिली थी। फाइनली गाइस मैंने इसको मार दिया है, बहुत टाइम बाद हम लोगों ने किसी लेजेंडरी एनिमल को मारा है, बहुत टाइम बाद। अब इसकी स्किन वगैरह निकालो भाई, सबसे कीमती तो स्किन है गाइस। अभी इसकी स्किन लेकर जानी है, थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि जब भी हम लोग किसी लेजेंडरी एनिमल की स्किन वगैरह लेकर जाते हैं ना, तो रास्ते में भाई अपने ऊपर अटैक वगैरह हो जाते हैं। अबे जल्दी आ जा भाई, टाइम नहीं अपने ऊपर कोई अटैक वगैरह ना कर दे। अपना घोड़ा है ना थोड़ा सा पागल सा है यार। अबे आ जा भाई, मरेगा नहीं, आ जा। ओके इसको तो यहाँ रखो, एंड उसमें और पार्ट्स वगैरह निकाल सकते हैं क्या? नहीं यार नहीं निकाल सकते, अभी अपने किसी काम का नहीं है। ओके फटाफट से गाइस इसको सेल करके आते हैं, पहले मेरे को मार्क लगाने, तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। ये देखो यहाँ देखो, ये क्राउन बन के आ गया ना, एक लेजेंडरी एनिमल था इस वाले एरिया का, तो इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। जैसे यहाँ देखो वुल्फ आ रहा है, ये आर्थर के साथ हम लोगों ने मारा था, यहाँ पे लेजेंडरी वुल्फ को मारा था, इसके ऊपर भी क्राउन आ रहा है। अभी तो पूरे मैप में ऐसे क्राउन बन के आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मेरे को यहाँ जाना है। अरे यार कहाँ लगा दिया मैंने, ये अंकल के पास चलते हैं फटाफट से गाइस, चलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि जब भी लेजेंडरी एनिमल को लेकर जाओ ना, रास्ते में लोगों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है और वो अटैक कर देते हैं। एक सेकंड यहाँ पे एक स्किन जै ओ एक सेकंड गाइस, अगर मैं इस बंदे को मार दूँ जो सामने है, मेरे को काफ़ी सारी स्किन्स मिल जाएंगी। ये एक शिकारी का अड्डा है, यहाँ देख रहे हो। ओके मैं इसकी स्किन निकाल सकता हूँ क्या? वुल्फ की निकाल सकता हूँ,
भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि शिकारी ना मतलब बहुत सारे आ सकते हैं यहाँ। और भी काफी सारी बढ़िया वो भी उठाते हैं। ये तो छोटी वाली स्किन है। और भी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ कितनी सारी हैं। अरे यार ड्रॉप नहीं करनी भाई, पिक कर ले। अबे कहाँ भाग रहा है बाबले घोड़े। ओके इसको भी रखो, एक और है वहां पे। इसको भी रखो, फिर देखेंगे और क्या क्या है काम का। ऐसे ना यहाँ पे बहुत सारे शिकारी है जो लेजेंडरी एनिमल्स को और बहुत सारे तरीके के एनिमल्स को मारते हैं। क्राफ्ट कर सकते हैं गाइस हम लोग इससे। अरे यार ये तो हम यहाँ बैठ सकते हैं, मुझे लगा क्राफ्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड यार, अभी मुझे कुछ नहीं करना, लीव करो यार। लेजेंडरी एनिमल को खा जाऊंगा नहीं तो पका पका के मैं। और यहाँ क्या क्या है, इसके पास भालू की स्किन भी है गाइस। एक और स्किन मैप में नजर आ रही है बट मैं उठा नहीं पा रहा इसको। ओके गन ऑयल मिल गया, चलो निकलते हैं गाइस यहां से निकलते हैं। अबे कहां फंस गया मैं। इसको लूट ले क्या, इसको एक बार चेक करते हैं इसके पास क्या है। अब निकलते हैं भाई, ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है क्योंकि अगर इसके शिकारी वाले पार्टनर्स आ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने इसे लूटा ना गाइस, ऐसे लोग भी मुझे लूट लेते हैं रास्ते में। अगर इन लोगों को पता लग गया कि मेरे पास लेजेंडरी एनिमल की स्किन है ना, रास्ते में मेरे को घेर लेंगे भाई। रास्ते में लूटना स्टार्ट, वहीं ख़त्म कर देंगे। बट अभी मेरा पूरा मतलब एक ही काम है कि भाई कैसे भी करके अपन लोग को अंकल की दुकान पर जाना है। वहाँ वो जंगल के बीचों बीच वो दुकान खोल के बैठी है ना वहीं। अबे यार अभी मैं इस वाले रास्ते से गया था थोड़ी देर पहले ही, एंड दोबारा से इधर ही से जाना पड़ रहा है। ओके तो गाइस अभी हम लोग अंकल की दुकान के पास पहुंचने वाले हैं। एंड रास्ते में ना मेरे को बहुत ज़्यादा भालू की आवाज़ आ रही है। इस वाले एरिया में ना बड़े बड़े भालू तो रहते हैं बट पता नहीं अभी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। एंड मुझे डर है कि यार अभी मेरे ऊपर कोई अटैक ना कर दे क्योंकि अभी ना मैं तैयार नहीं हूँ भाई किसी भालू से लड़ने के लिए। अभी मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि कैसे भी करके ना अपन स्किन को सेल कर दें। वैसे पहुँचने वाले हैं। एंड यहाँ ऊपर राइट साइड में भी एक शिकारी का मतलब अड्डा जैसा था यहाँ पे, इसको मैंने पहले बहुत पहले मारा था। और यहाँ देख रहे हो भाई क्या बड़े बड़े हिरन हैं, बट इनके ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, $1-2 ही मिलते हैं। बट जो अपने पास अभी है ना लेजेंडरी एनिमल, कम से कम $20-30 तो मिलने चाहिए अगर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा तो। ओके कि यहीं पे तो है यार, कहाँ जा रहा हूँ मैं घूमते हुए, ये रही। अंकल भी खुश है, वेलकम बैक। आरती वारती उतार दो अंकल, मेरी लेजेंडरी एनिमल लाया हूँ मैं। ओके पहले लेजेंडरी एनिमल देखो कितने का है। ये वुल्फ की 3-स्टार वुल्फ की स्किन है भाई, पता नहीं कैसे मारा होगा उसने। ये मैं सेल करता हूँ, पता नहीं क्या है, वुल्फ का हार्ट है। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं भाई। भाई लेजेंडरी एनिमल $33 का है गाइस, मतलब तुम सोचो एक वुल्फ की कीमत इस गेम के अंदर सिर्फ $1-2 है नॉर्मल वाले वुल्फ की। लेजेंडरी वुल्फ अगर मिलता है तो $30-35 का जाता है, बट एक हिरन भाई कितना महंगा है। मतलब इस गेम के हिसाब से लेजेंडरी एनिमल की कीमत ना बहुत ज़्यादा है भाई। लेजेंडरी एनिमल का ज़्यादातर यूज़ गारमेंट्स जैसे लिखा है ना, गारमेंट्स वगैरह में यू होता है या फिर ये बेच देते हैं। ओके तो फाइनली गाइस बहुत टाइम बाद अपन लोगों ने एक लेजेंडरी एनिमल को मारा। मैं ऐसे ही ना बहुत सारे लेजेंडरी एनिमल्स को मारने वाला हूँ,
मतलब एक एक करके ना अपन लोग ऐसे ही ढूंढेंगे और जल्दी जल्दी उन्हें खत्म करके सेल करेंगे, फिर देखते हैं कितना पैसा हो जाता है। मैं एक बार चेक करूँ मेरा पैसा कितना है। $129 भाई, 129 काफ़ी हो गया यार, काफ़ी पैसा कर लिया मैंने इतनी जल्दी जीरो से, कहीं सही पैसा कमा रहा हूँ भाई। तो अभी अपने पास यार देखो ठीक ठाक पैसा हो चुका है, करीब $129 हो गए हैं, और इस गेम में ना $129 की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी एक घोड़ा खरीदा जाए, है ना, घोड़ा सही रहेगा। और एक सेकेंड, ये कौन है भाई, ये क्या सीन हो रखा है यहाँ। Hey, better not have a problem with his friend. Hey, get yourself out of there. Okay. Guys, मुझे निकलना चाहिए क्योंकि मैं किसी दूसरे के पंगे में नहीं पड़ना चाहता भाई। वैसे ही अपने लफड़े इतने ज्यादा हैं और किसी और के लफड़े में पड़ गए ना, मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, एंड मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपन लोग चलते हैं अस्तबल में, पहले चल के घोड़ा चेक करते हैं कि कितने का मिल सकता है कोई बढ़िया घोड़ा, और उसके बाद ना हमारे पास जो घोड़ा है ना इसको सेल अगर कर सकते हैं तो इसको सेल करके आते हैं। जैसे आगे से देख रहे हो गाइस, इसके भी मसल्स वगैरह तो हैं, देखो क्या तगड़ा लग रहा है ना, इसको सेल करके आते हैं। अगर इसके ठीक पैसे में लेना तो अपन लोग जंगल से पकड़ के ला सकते हैं एक बढ़िया सा घोड़ा। तो पहले इस घोड़े को सेल करते हैं चल के, देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। मेरे को एक जगह पता है, मतलब एक बंदा पता है जो घोड़े वगैरह खरीद सकता है, उसके पास चलते हैं, चल के घोड़े बेचकर मतलब घोड़ा बेचकर आते हैं अपना। ओके तो गाइस अब हम लोग घोड़े वाले बंदे के पास पहुंचने वाले, और यहाँ चल क्या रहा है भाई। एक काम करते हैं हम लोग, रास्ता बदलते हैं भाई। मैंने बोला ना मुझे ना किसी के पंगे में नहीं पड़ना, अभी अपने को इस साइड में जाना है घोड़ा बेचने। ओके यहीं कहीं पे दो बंदे खड़े रहते हैं, मतलब दो भाई हैं यहाँ पे जो घोड़ा खरीदते हैं, ये रहे। ओके ये घोड़ा नहीं ले सकते क्या? अबे यार ये वाला घोड़ा नहीं सेल कर हो पाएगा भाई, ये लोग ये घोड़ा नहीं लेंगे। अबे यार मैं इतनी दूर आया हूँ इन लोगों के पास भाई, यहाँ क्या लफड़ा चल रहा है, कोई गैंग वाले बंदे हैं गाइस यहाँ देखो। भाई घोड़ों को, अबे एक पुलिस वालों के साथ पंगा था इनका, घोड़ों को भी मार दिया और पुलिस वालों को भी मार दिया, हद है भाई। बाकी एक काम करते हैं, आसपास कोई अस्तबल है क्या यहाँ पे, मेरे को देखने दो आसपास। ये रहा ये रहा ये रहा, पास में ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, यहाँ चल के चेक करते हैं। तो यहाँ चल के चेक करते हैं कि न्यू हॉर्स कितने तक का आ जाएगा, एक बढ़िया बिल्कुल मतलब टॉप मॉडल वाला, एकदम टॉप मॉडल वाला घोड़ा कितने का आ जाएगा जो बड़े। मैं सोच रहा हूँ एक रेस हॉर्स ही खरीदते हैं क्योंकि उसकी स्पीड ना कुछ ज़्यादा होती है, बाकी घोड़ों की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, पर रेस हॉर्स की मस्त होती है एकदम। तो चल के देखते हैं, वैसे पास में ही नहीं है जगह, तो मैं काम करता हूँ शॉर्टकट मार देता हूँ यार, यहीं पर तो है, जंगल के अंदर से चलो ना, ये रहा पहुँच ही गए। ओके तो गाइस अभी हम लोग अस्तबल पहुँच चुके हैं, और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ यार, काफ़ी घोड़े आ चुके हैं यार। तुम लोग इस साइड चेक करोगे बहुत सारे घोड़े हैं, मैं यहाँ से कोई घोड़ा चोरी भी कर सकता हूँ वैसे, पर चोरी नहीं करेंगे यार, खरीदेंगे चल के। चलो अंदर चलते हैं, बहुत सही एक नया घोड़ा देखते हैं चल के कितने का पड़ेगा। ओके तो गाइस अभी हम लोग मैनेज हॉर्स में आ चुके हैं, अपने पास कोई भी नहीं है। रिचल, ओके तो अपने घोड़े का नाम रिचल है। ओके बाय हॉर्स में चलते हैं। ओके तो ये $140 का घोड़ा है, पर अपने पास पैसे नहीं है, एंड इसकी स्पीड भाई, इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, एंड इसकी भी स्पीड कुछ खास नहीं है भाई। ये $900 का है, बट कलर बेकार है भाई इसका, और स्पीड इसकी बहुत सही है, बट एक स्टैंडर्ड हॉर्स है, और मुझे ना एक रेस घोड़ा चाहिए, मतलब रेस टाइप का घोड़ा चाहिए भाई, नहीं मेरे मतलब के घोड़े आए नहीं। चलो निकलो यार, निकलो, रहन दो, कोई फ़ायदा नहीं है इससे, तो बढ़िया मैं एक चोरी कर लूँ यहाँ से क्या। नहीं नहीं रहन दो यार, चोरी नहीं करना, बेकार है भाई चोरी करना, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सेव भी नहीं कर पाऊँगा उसको। निकलते हैं भाई यहाँ से, इस वाली जगह में ना ज़्यादा लोग नहीं आते खरीदने, जो जो छोटे से गांव होते हैं ना उनके बीच में होता है, वहाँ पे सही घोड़े मिल जाते हैं बढ़िया। यार एक तो अपने पैसे भी तो नहीं है, थोड़े से ज़्यादा पैसे हो जाए ना,
फिर मस्त चीज आएगी। तो अभी मुझे यार मैप में दो तीन काम नजर आ रहे थे, तो सीधे अभी मैं एक काम की तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे ना यार जल्दी जल्दी गेम को आगे बढ़ाना है ताकि अपन लोग और ज्यादा पैसे कमा पाए। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो वाइट वाइट कुछ तो है यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके कोई घोड़ा खड़ा, ओके वहां पे है भाई कोई, ये कौन है? ओके गाइस, इस बंदे से हम लोग शायद पहले भी मिले हैं क्या? I heard about your work through an old friend of mine, Arthur Morgan. हाँ, पहले भी मिले हैं बस। ओके I remember. Arthur, fine fellow. What a shame. ओके very kind of you, Mr. Marsden. A little assistance here would certainly be appreciated. ओके पहले भी गाइस हम लोग इस बंदे से मिले थे जब हम लोग आर्थर के साथ खेल रहे थे। ओके नो वुल्व्स Wolves. Okay. So you're determined to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Okay, so guys, ये wolf का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, meat टांग रखा है उसने, and ये यहाँ पे wolf का फोटो लेने की सोच रहा है। I'll wait with you for a while. Anything shows up, I'll protect you as needed. You are a gentleman. मेरे को इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास, चलो इस गन से काम चला लेंगे। I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Marsden? Sure. Okay. But you've never been eaten. Not through a lack of trying on their part. Okay, अभी हम लोग को इंतजार। ओ वो रे वुल्फ। Some friends of mine saved me. Guys, काफी सारे हैं ये तो भाई। और ये बंदा टर नहीं रहा भाई, यहाँ देख रहे हो अपना दुकान लगा के फोटो खींच रहा है वुल्फ के। ओके भाई वुल्फ ना अटैक कर सकते हैं, वैसे इसने ऊपर मीट टांग रखा है। ओके कोई टेंशन नहीं है भाई, ले कर ली नीचे, भाई कह रहा है वेपन नीचे करो। ओके भाई औरों को बुला रहे हैं, वो देखो वहां पे और भी हैं। मैं सच्ची में नहीं मार पाऊंगा अगर इतने सारे आ गए तो। गाइस stay back can't have a man in the frame, they think it's staged. It's sort of is. Look at them, magnificent creatures. You provoked them, Mr. Marsden, help. They ain't provoked, they're just... अरे भाई इसने मरवाया मुझे। अरे भाई कितने बड़ा ये, ये तो भाई इसने जो इसका फ्लैश निकला, जो भी लाइट निकली भाई, उससे तो मेरे को लगा ये गया। बहुत ज्यादा जाइंट वुल्फ थे गाइस ये, बहुत ज्यादा जाइंट। ओ भाई पर शायद इसके फोटो वगैरह आ गए, इसका काम हो गया, मरते मरते बचाए। अच्छा रहा मैं यहाँ पे सही टाइम पे आ गया भाई, गया था ये बंदा, गया था आज। अगर मैं इसको नहीं बचाता गाइस तो गया था ये बंदा। बट अपने को फ्री के ना वुल्फ की स्किन मिल गई क्या? कहाँ गया वुल्फ? एक मिनट। ओके ये checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. First I was scared of the wolves and now it's hydrophobic. ओके तो ये वुल्फ मतलब ना सामान वगैरह लेकर यहाँ से जा रहा है। Longer tube for the shutter bulb. Much, much longer tube. Okay, ये रहा अपना घोड़ा। अब इसको फटाफट से रखो। Come on. फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। Okay, Messi. Okay. Messi नाम है उसका। ऐसे काफी सारे white white देखो आ रहे हैं missions वगैरह, जो शायद सारे Arthur के ही होंगे। Arthur जो या देखो यहाँ पे आ रहा है। एक यहाँ पे आ रहा है, इसको भी अपने को करना है, इसको भी नहीं करा अपने को, इसको भी अपन लोग बहुत जल्दी करेंगे। बाकी हम लोग ना काफी नजदीक है यहाँ के, जहां से आर्थर ने अपना घोड़ा पकड़ा था रेयर वाला, ये देखो इस वाली लेक के आसपास पकड़ा था, बहुत नजदीक है गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके चेक करते हैं, तो शायद अपने को फिर से वहां से वो घोड़ा मिल जाए। वैसे वो घोड़ा काफी रेयर है और एक ही बार स्पॉन होता है जब आर्थर ने पकड़ा था, बट अगर शायद दूसरी बार भी स्पॉन हो जाए वहां और अगर अपने को मिल गया ना तो बहुत सही है, क्योंकि उस घोड़े की कीमत ना लेजेंडरी एनिमल से भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब $30 का था वो घोड़ा और उसके रेट बढ़ गए थे बाद में, शायद 30 का था फिर वो 58-57 का हो गया।
जितनी बार हम लोग उन बंदों के पास जाते रहते हैं ना, तो वो प्राइस ना हाई कर देते हैं। बट मेरे को ना जल्दी उतरना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है ऊपर, और रात में ना वहाँ चारों तरफ वुल्फ रहते हैं, चारों तरफ वुल्फ। ओके, तो यहाँ से माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं, एंड हम लोग बहुत टाइम बाद भाई इस वाले एरिया में जा रहे हैं। मतलब आज ना इधर की पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि मैप बहुत बड़ा है, एक साइड से दूसरी साइड जाने में ना बहुत टाइम लगता है। बट जब इधर थे तो मैंने सोचा क्यों ना यार चेक कर लिया जाए। एंड मुझे लगता है कि अभी शायद बर्फ़ वाला मौसम नहीं है, नहीं तो ये जो रोड दिख रही है ना ये दिखती नहीं है। एंड इस वाले गांव में तो कोई भी नहीं रहा होगा ना अभी। हाँ, पर ये देख रहे हो गाइस, काफ़ी बड़ा हो गया यार ये, पहले इतना बड़ा नहीं था। बट अपने को यहाँ से ऊपर जाना है भाई, ये देख रहे हो। नहीं नहीं, नीचे बर्फ नहीं पड़ रहा था, बट ऊपर ग्लेशियर है इसलिए ऊपर बर्फ पड़ रहा है। और जो घोड़ा मेरे पास अभी है ना गाइस, मुझे लगता है इसकी तो बैंड बच जाएगी भाई, ये शायद बर्फ में ना चल पाए। देखते हैं, ट्राई करते हैं। बट ऊपर से ना व्यू बहुत तगड़ा आएगा भाई, बहुत तगड़ा व्यू। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने एक लेजेंडरी एनिमल को मारा था, अगर आप लोग को याद होगा, वो जो लेक के पास मिला था, बड़ा सा सांड होता है ना, उसको मारा था। तो अभी मेरे को उसी लेक के पास जाना है, वहीं पे हीरा मिला था हमें। ओके, तो लेक तो बिल्कुल जस्ट मेरे सामने आ चुकी है, ये रही वो लेक। मैं यहीं पे कैंप लगाने वाला हूँ। अबे जंप मार दे, बहुत सही, पूरी लेक जमी हुई है भाई। नहीं नहीं नहीं, इस साइड में जमी हुई नहीं है। ओके, इधर से चलते हैं। एक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई, इतना ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब हो रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग प्रॉपर आ तो उसी लोकेशन पे गए हैं, एंड मुझे ना बस अब देखना पड़ेगा ये क्या है भाई। यार पहले ना मैं गन चेंज करता हूँ, एक मिनट अपने घोड़े के पास जाके ना पहले गन चेंज करो, क्योंकि जो गन अभी मेरे पास है ना भाई, वो ना बहुत टाइम लगा रही है भाई। ठीक है, एंड इसमें हम लोग तो ये सही है, चलो एक स्नाइपर और एक दूसरी वाली, बहुत सही। अब क्या मेरे पास स्नाइपर भी हो गई, एंड ये वाली भी सही है। इसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक हिट में एक वुल्फ तो गया। मैंने कहीं यहाँ कहीं से पकड़ा था, अगर आप लोग को याद होगा, मेरे को पूरा एरिया में देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे इस टाइप घोड़े हैं। या फिर आप लोग कॉमेंट करके बताना कि अपने को दोबारा वो ब्रीड का घोड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उस नस्ल का। मुझे वैसे लगता नहीं है, बट अगर मिल गया तो गाइस मज़ा आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आसपास कोई एनिमल्स है क्या। नहीं, कोई भी नहीं है, बस अपना घोड़ा वहाँ खड़ा है भाई। जॉन की हालत ख़राब हो रही है ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड। मेरे पास कपड़े हैं क्या, चेंज कर सकता हूँ मैं कपड़े? नहीं, कपड़े नहीं है मेरे पास। एक सेकेंड, ग्लव्स मैंने पहन लिए, ग्लव्स पहन के रखो यार। नहीं भाई, कोई भी मुझे एनिमल ही नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है गाइस इतनी ज़्यादा ठंड है ना इस साइड में कि कोई एनिमल है ही नहीं यहाँ पे। बस रात होने के बाद शायद वुल्फ यहाँ पे निकले। भाई कितना ठंडा पानी है, देख के मुझे ठंड लग रही है इसे। एक सिंगल गाइस, मुझे अब हिरन नज़र आ रहे हैं, वो देखो वहाँ दो तीन हिरन हैं, ऊपर भी एनिमल्स हैं। इस साइड चलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों वुल्फ की आवाज़ आ रही है गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है वुल्फ है आसपास। यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा यार उस घोड़े का अपने को, शायद वो घोड़ा मिल जाए, पक्का तो नहीं है बट शायद। भाई बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई है, एक काम करते हैं यहाँ पे अपना कैंप लगाते हैं पहले।
कैंप लगाना एकदम सही रहेगा। ओके तो गाइस जब भी हम लोग ने यहाँ पे कैंप लगा लिया है, आग जला लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है और मैं टेंट वगैरह लगा के यहीं पे सोने वाला हूँ क्योंकि हो सकता है कि सुबह होने के एक सेकंड भाई मैं डर गया था एक बार, अभी मुझे लगा ये क्या भागते हुए आ रहा है, बट ये तो अपना ही घोड़ा था भाई, इसने मेरे को डरा दिया। तो मैं टेंट वगैरह लगा के यहीं पे सोने वाला हूँ, हो सकता है कि सुबह उठने के बाद यहाँ पे मुझे और एनिमल्स नजर आए जब धूप वगैरह निकल आएगी, क्योंकि अभी तो रात होने वाली है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना। तो इस वाले वीडियो को अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोग को मज़ा आए, अगर मज़ा आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, बाकी मैं आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।